ओम शांति। मीठा मीठा बाबा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं, याद है तलवार की धार, जितना ज्यादा याद में रहेंगे, जितना ज्यादा बाप के डायरेक्शन पर चलेंगे, उतना धार तेज होगी, उतना सहज रीति से हम अपने विकर्मों को काट सकेंगे। प्रश्न, बच्चों को करैक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं? बाबा बच्चों को करैक्टर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता बताते हैं? बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, चार्ट रखेंगे तो करैक्टर सुधरेगा। देखना है कि सारे दिन में हमारा करैक्टर कैसा रहा, कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया, ऐसा जो पोता मेल रखते उनका करैक्टर सुधरता जाता है, उनका करैक्टर सुधरता जाता है, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहां सन्मुख है, यहां सन्मुख है, ऐसे नहीं कि कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते, ऐसे नहीं कह सकते कि सभी बच्चे स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं, कहां कहां बुद्धि जागती रहती है, वे तो हर एक अपने आप को समझ सकते हैं, हर एक अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कितना याद करते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की, मूल बात है, सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे, भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबर वार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं, परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते? ये तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है, परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं, अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो,
कोई राइट लिखते, कोई रॉन्ग भी लिखते। समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे, परंतु सचमुच याद में थे। क्वेश्चन पूछ रहे, कोई चार्ट राइट भी लिखते हैं तो कोई चार्ट रॉन्ग भी लिखते हैं। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं, याद में नहीं रहे और अपने आप को धोखा देते रहे, चार्ट में लिखते रहे कि हमने तो शिव बाबा को 8 घंटे याद किया, 4 घंटे याद किया, 6 घंटे याद किया। हम तो शिव बाबा की याद में देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए, हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। शिव बाबा हम सबको कशिश करके सारी दुनिया भुला देते। बाप समझ आते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप तो कशिश करते हैं परंतु सचमुच याद आती है या नहीं, ये तो खुद पोता मेल निकालेंगे, ये तो कोई और बता नहीं सकता। ये तो हर एक को खुद हिसाब निकालना है कि कितनी देर हम बाबा को याद करते हैं, कितना हम बाबा को याद करते। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है, ये आशिक माशूक रूहानी है, बात ही न्यारी है, वो जिस्मानी और ये रूहानी। देखना है हम कितना समय सारा दिन में दैवी गुण धारण करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, कितना समय बाप की सेवा में रहते हैं, फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो याद के बिगर तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहां याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी, और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर है। बाप कहते हैं अपने को मियां मिट्टू समझ, ठगी नहीं करना। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना समय याद किया। जो कट निकल जाए, कमियां निकल जाए, कितनों को आप समान बनाया। ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है, जो करेगा वो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा करैक्टर सारे दिन में कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को दुख तो, फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करैक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता बताया है, आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वे सामने खड़ा हो जाता है। जिस माशूक को याद करते हैं
उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि सामने खड़ा हो। दो स्त्रियां फीमेल हैं तो भी साक्षात्कार, मतलब आपस में बहन बहन को भी याद करती है तो भी सामने आ जाती। दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते, मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी ना हो। एक दो के बहुत विचार बहुत अच्छे प्यार से बैठ उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है, सवेरे सवेरे बाप जास्ती कशिश करता है, चुंबक है एवर प्योर है तो वो खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है, परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। ये भी ऐसे है, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, और कोई उपाय नहीं है। ये बहुत महीन है, तलवार की धार से चलना होता है, याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है, जैसे वे लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है। तुम्हारा बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहां, हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं, यहां आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूं, तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है, बाप ऊपर से नीचे आया है, चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है, चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा। चैतन्य हीरा कौन है? हीरा किसे कहेंगे? शिव बाबा को कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा को? इस डिब्बी में, तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है, चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हम बाबा के साथ बैठे, ये तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं, परंतु ये तो आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया तो क्या फायदा।
बच्चों को अपने चार्ट का ओनर रखना चाहिए, ओनर रहना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है, हम इतना अच्छा अच्छा सबको समझाते हैं फिर हमें कोई चार्ट रखने की जरूरत है? मंजिल बहुत ऊंची है, बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई भी जानते सिवाय तुम बच्चों के, वैराग्य भी तुमको आएगा, तुम जानते हो। अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, जाने से पहले पवित्र बनना है, दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबर वार माला में पिरोए जाएंगे, फिर नंबर वार राजधानी में परम धाम से आएंगे, फिर नंबर वार तुम्हारी द्वापर से मूर्तियों की पूजा होगी। अनेक देवताओं की पूजा होती है, क्या क्या नाम रखते हैं, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वो सुधरते, जो रजिस्टर नहीं रखते वे फिर सुधरते। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि ये तो बाप को मानने वाला ही नहीं है, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत करते हैं याद की यात्रा की, और बहुत बहुत भारी मंजिल है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत करते हैं याद की यात्रा की, ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज की को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, ज्ञान तो सबसे इजी है। 84 का चक्र याद करना कोई बड़ी बात नहीं, फिर क्या बड़ी बात है? खुद अपने की स्थिति में स्थित है, अपने आप को आत्मिक स्थिति में बिठाना ये मेहनत वाला। नॉलेज में युद्ध की कोई बात ही नहीं है, ज्ञान लेने में कोई युद्ध की बात ही नहीं। आकर के पतित से पावन बनाओ, इसलिए बुलाते हो ना। वे तो सौ सब इनका में नॉलेज, तो ये तो पवित्र बनना है इसलिए ही बाप को बुलाते हैं, आकर पतित पावन हमें पावन बनाओ।
ऐसे नहीं कि आकर पढ़ो, इसलिए बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। ये तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में रखनी है पूरा। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी जरूर चाहिए। हमको ये ज्ञान मिलता है, ये भी कर्म अनुसार मिलता है। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वे भी कर्म अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह से बैठ समझाते हैं। जितना जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा का राज समझा और समझाया होगा तो भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथी को ज्ञान सुनाने नहीं आएगा, महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगे, लिखते रहेंगे, अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग अलग करते रहेंगे, पॉइंट्स का वजन करें, परंतु ऐसे कोई भी नहीं मेहनत करते। नहीं तो यहां तो मुश्किल कोई नोट्स रखते हैं, नोट्स ही नहीं रखते। बाबा हमेशा कहते भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो, ऐसी मेहनत करती नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद रहती नहीं, बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते रहते हैं डायरी में। तुमको भी ये बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। कितनी मेहनत है, अब मेहनत नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा। क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं, सर्विस करते हैं, सर्विस बिगर उनको कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बात तो मत देते हैं फिर दिल से लगती है, याद नहीं ही तो वे खुद जाने, दूसरा जान नहीं सकता कि मैं बाबा को याद कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। भल धंधा दौरी आदि करो तो डायरी तो सदा पॉकेट में रहनी चाहिए ना, नोट करना चाहिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए, अलबेले रहेंगे अपने पर थोड़े ही, अपने को मियां मिठू नहीं बनाना है।
घुसा माया लगाती रहती है। लक्ष्मीनारायण बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है, बॉक्सिंग हो दूसरी तरफ से घुसा ना लगे फिर क्या की बॉक्सिंग। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठ लिखते थे तुमको समझाने के लिए, तो समझा जाता है। बाबा 2 बजे उठे लिखे और फिर करेक्शन करें तो समझा जाता है कितना ख्यालात करना होता है। बच्चों के नाम रूप में फंस फिर चलायमान हो जाते हैं, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा ये, फिर बुद्धि हलचल में आ जाती है। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बना दूं, ये प्रबंध करे है, तो ये सब ड्रामा, बाबा का ड्रामा चलता रहता है। कई बच्चे तो रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबल होने के बाद। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाना है, प्रबंध करना है तो ये सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, उनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा, ड्रामा बिगर कोई चीज रह नहीं। तूफान तो बहुत आएंगे, तो कई बच्चे सच बताते नहीं है। टिक 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 ड्रामा चलता रहता है, स्वप्न भी ढेर आते रहते हैं। माया है ना, माया तो है ना। जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे माया, पहले जिनके पास नहीं आती थी उनको माया आएगी। पेपर तो सबको देना है। कई बच्चे सच नहीं बताते, स्वप्न भी ढेर आते हैं, माया है ना। जिन्होंने पहले बाप समझाते हैं बच्चों को, वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते, मेहनत करते करते थक जाते। मंजिल बड़ी भारी है, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनना, तो मेहनत तो करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े ना, दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है ये, बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं, बाबा बाबा कहकर।
बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना है। यह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप को याद, बाप की याद में आकर बैठते हैं तो फिर प्रेम के आंसू बहते। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ये है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहां की बात ही न्यारी है। यहां तो शिव बाबा के पास आते ही हो। किस लिए आते हैं? से पावन बनने के लिए। तो शिव बाबा आते हैं इस रथ में सवार होकर। बिगर शरीर आत्माएं तो मिल ना सकी, बिना शरीर के आत्माएं तो मिल ना सकी। जानते हैं ये बाप दादा है तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या क्या देते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? सुख की दुनिया में। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना। सबका कल्याण होता है, एक बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते? जरूर कोई हमारे में खामी है। बाप कहते हैं याद का जोहर नहीं है तो याद की यात्रा। याद की यात्रा ही मुश्किल है। जब धारणा नहीं होगी तो याद की यात्रा क्या लगेगी? मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है, बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सब को बच्चे कह समझाते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं वे तो ये बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि ये अक्षर किसके। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूं बच्चों को वर्षा देने। बाबा सुना देते हैं, बच्चों से काम मुझे लेना है। ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। ये नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी ही।
अच्छा, हर एक बाप दादा को याद, हर एक को बाप दादा को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टी सुलटी बात नहीं करनी है। मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना, सारी दुनिया को भूल जाना है। एकदम, बाकी सारी दुनिया क्या जानी है। बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, जो भी कमियां है वो सारी निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। दुनिया पर तो नजर रखते हैं हम, पर तो अब नजर अपने ऊपर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है, वरदान। तीन स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भाव। बाप दादा ने तीन स्मृतियां या तिलक दिए हैं, सब एक एक, एक स्वयं की स्मृति, फिर बाप की स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों के लिए ड्रामा की स्मृति, जिन्हें ये तीनों स्मृतियां सदा याद रहती हैं। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, ड्रामा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा। बाप दादा ने सभी बच्चों को तीन स्मृतियों का तिलक दिया है, एक स्वयं की स्मृति, एक बाप की स्मृति, एक श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति, जिन्हें ये तीनों स्मृतियां सदा हैं, उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्माओं की स्मृति के साथ बाप दादा की स्मृति और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति। उसमें अचल अडोल रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी विघन कारक हो। स्लोगन है, दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक का क्या मतलब होता है? हाँ जी, अलौकिक क्या होता है? अलौकिक बाप हमारा कौन है? हाँ जी, ब्रह्मा बाप। अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाप, ऐसा बाप नीचे धरती पर कोई नहीं।
आगे जो है हमारे पास कि अलौकिक में हो गया ब्रह्मा बाबा, फिर मन को शीतल करने का मतलब मन में जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति, स्व के प्रति कोई वेस्ट और नेगेटिव थॉट नहीं, सिर्फ एक मुझ आत्मा का कल्याण किस में है और अन्य आत्माओं का कल्याण किस में है। और तीसरा शब्द इसमें क्या दिया, बुद्धि को रहम दिल बनाओ। बुद्धि को रहम दिल बनाना माना अपने ऊपर रहम करना और सब पर रहम, क्योंकि रहम किया जाता है दुखी पर और आज सारा संसार दुखी है और जो गलतियां करते हैं तो दुख आते हैं। तो रहम भी यही है कि हमारे से कोई गलती ना हो। ओम।